वो आ जाओ उस टॉपिक पे जो मैंने आप लोग बताया था ना कि कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जरा उसको देख लेते हैं। तो वो एक चीज होती है जो मैं इस तरह लिखवा सकता हूँ आप लोगों को, उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कितनी टाइप्स होती है, तो अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करो ना तो दो किस्म के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है कि अगर आपके पास यूनिक आ जाए या आपके पास इनफाइनाइट मैनी आ जाए, मतलब आपके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब वो एक सॉल्यूशन आ रहा है या इनफाइनाइट मैनी आ रहे हैं, दोनों को आप बोलोगे कि सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा, मतलब नो सॉल्यूशन। तो है ये तीन ही किस्म का सॉल्यूशन, लेकिन नो सॉल्यूशन हो तो इसका मतलब वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, वो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा। ज्यादा अच्छा वर्ड है यहाँ पे सिस्टम लिख दो आप, एक सेकेंड। हाँ बुक में यही चीज यूज की है, तो आप ये कह दो टाइप ऑफ सिस्टम कह दो आप इसको, टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि दो किस्म के सिस्टम है, या तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा या कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कंसिस्टेंट सिस्टम वो है कि जिसमें आपके पास या तो यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है, या उसके अंदर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम वो होगा कि जिसमें आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन है। अगर होमोजेनियस की आप बात करो तो होमोजेनियस तो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहता है। क्यों? क्योंकि होमोजेनियस के अंदर या तो एक आते हैं सॉल्यूशन, मतलब वो ट्रिवियल आ रहा है, या इनफाइनाइट मेनी आते हैं, सॉल्यूशन तो लाजमी आ रहे होते हैं। तो जो होमोजेनियस है वो तो हमेशा कंसिस्टेंट रहता ही रहता है। तो दैट्स व्हाई वहां पे मैंने ये टॉपिक डिस्कस किया है। जो नॉन होमोजेनियस है ना, उसमें आपको चेक करना पड़ता है क्या वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि नॉन होमोजेनियस में ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जिसमें आपके पास सॉल्यूशन ही ना आ रहा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जाता है नॉन होमोजेनियस के अंदर। होमोजेनियस तो हमेशा कंसिस्टेंट ही रहता है, उसमें तो कोई इशू हो नहीं होता। और इसमें आप करते हैं क्या, इसमें जरा मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। हाँ वो तरीका ये है कि कोई एग्जाम्पल हो तो उससे बता दूं मैं। ये कोई एक्सरसाइज में है सवाल? हाँ क्वेश्चन नंबर टू है, लिखा है डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जरा मैं आप लोगों को एक सवाल ही समझाता हूँ, उसी में आप लोग क्लियर हो जाएगा किस तरह आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन ये इक्वेशन गिवन है, और डेफिनेटली अब होमोजेनियस है मतलब आपको कॉन्स्टेंट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये सिस्टम है होमोजेनियस सिस्टम है, आपको बताना है कि इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, मतलब ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, कैसे पता चलेगा। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे रैंक निकालते हो, यहाँ पे भी आप रैंक से आसानी से बता सकते हो कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब रैंक आपको यहाँ पे किसका निकालना होता है वो जरा देख लो। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक चीज पढ़नी है, उसको आप कहते हो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड इंग्लिश का जो वर्ड है इसको मतलब कि आप चीजों को जमा कर रहे हो आपस में, ऑगमेंट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम करते हैं क्या है, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको बुक ने ए बी के नाम से रिप्रेजेंट किया है। बट नो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को ए बी क्यों बोला, बी कहाँ आ रहा है यहाँ पे, बर मतलब ए बी यूज ही किया उन्होंने, ए बी ही है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ने ए बी बोला है, क्यों बोला होगा पता नहीं। मेरे ख्याल में इसलिए बोला होगा क्योंकि आप इसमें जो एडिशन कर रहे हो वो कांस्टेंट का कर रहे हो, शायद देख लेते हैं यहाँ पे आपने करना क्या। यहाँ पे सबसे पहली बात, ये तो मैट्रिसेस की अगर फॉर्म में आप लिखो तो इसको लिखोगे ना ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म है, तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स है 1 -2 -2, 2 3 1, 5 -4 -3, फिर आपकी एक्स की है एक्स वाई जेड, और फिर आपके कॉन्स्टेंट की है, कॉन्स्टेंट क्या है, -1 1 1। ये सिस्टम जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। अब होमोजेनियस में आप क्या करते थे, जस्ट ए को पिक कर देते और ए को सॉल्व करते थे और रैंक निकाल लिया करते थे। यहाँ पे आप सिर्फ ए को नहीं पिक करोगे, आप ए को ऑगमेंट करोगे, किसके साथ, ये जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है ना इसके साथ ऑगमेंट करोगे। मतलब आप इस तरह लिखोगे कि सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स लिखो, ठीक है, इसके साथ आप क्या करो, आप यहाँ पे कांस्टेंट मैट्रिक्स लिखो, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या है, -1 1 1, दरमियान में हमें जरा सेपरेशन बुक ने तो नहीं डाली थी लेकिन सेपरेशन नॉर्मली डाली जाती है बताने के लिए कि भाई ये ए मैट्रिक्स है और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आपने लिखी, ये दोनों अलग अलग है, तो दैट्स व्हाई सेपरेशन लगाई जाती है। कोई इसको डॉट 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 बना देता है, कोई
इसको मतलब डैश लाइन बना देता है, कोई कोई सॉलिड लाइन बना देता है, आपकी मर्जी है, कोई भी नोटेशन आप फॉलो कर लो, लेकिन लगा दो लाइन, बुक ने नहीं लगाई भी आप लगा लो, बेहतर अच्छा तरीका होता है। तो अब ये काम होमोजेनस में क्यों नहीं करते थे? होमोजेनस में इसलिए नहीं करते थे क्योंकि कोई फायदा नहीं होता था। होमोजेनस में सारी चीजें जीरो होती थी, आप यहाँ पे जीरो 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 लिख दो, उसका कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आप एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो जो आप ऑपरेशन इधर अप्लाई करोगे फर्क आपको इधर ही नजर आएगा, क्योंकि ये तो सब जीरो 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 थे। आप इस रॉ को बेशक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करवा दो, यहाँ पे जब अगर जीरो होगा तो क्या फर्क होगा? कंसीडर कर लो कि सारे एलिमेंट यहाँ पे जीरो हैं, तो आप कुछ भी परफॉर्म करवा दो, इनको थोड़ी देर असर पड़ना है, ये तो अपने जगह पे रहेंगे। तो दैट्स व्हाई होमोजेनस में आप ये चीज लगाते नहीं थे, क्योंकि फर्क नहीं पैदा करती थी। लेकिन नॉन होमोजेनस में फर्क पैदा करेगी, आप जो भी ऑपरेशन अप्लाई करोगे कॉन्स्टेंट में भी फर्क पड़ता जाएगा, ठीक है? वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, इसलिए हमने वहां पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाई थी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओगे, बन गई आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे रैंक निकालोगे। जब रैंक आ जाएगा, उस रैंक को देख के हम फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आपको पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं पहले आप लोगों को रैंक निकाल के बता देता हूँ, जो बात आप लोगों ने पहले से पढ़ी हुई है उस पर आते हैं हम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना ली, अब जरा रैंक निकालो इसका। रैंक निकालने का तरीका वही होगा जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ, यार कोई नई बात नहीं है। वन के नीचे आपको सब जीरो चाहिए, क्या करोगे, माइनस टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करवा दो, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करवा के इसके अंदर ऐड करवा दो। तो ये मैं काम करता हूँ जरा। अच्छा जी, पहली रॉ जो है वो तो अपनी जगह पे रहेगी। अच्छा, पहली रॉ को माइनस टू से करना है, इसके अंदर ऐड करना है, तो ये जीरो हो जाएगा। इसको माइनस टू से करो फोर, फोर प्लस थ्री सेवन। इसको माइनस टू से करो फोर, फोर प्लस वन फाइव। इसको माइनस टू से करो, ये हो जाएगा टू, टू को वन में ऐड करो थ्री। अच्छा जी, अब इसको माइनस फाइव से करना है, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करके ऐड करो जीरो। माइनस फाइव से करो टेन, टेन माइनस फोर सिक्स। माइनस फाइव से करो टेन, टेन माइनस थ्री सेवन। और माइनस फाइव से करो फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स। और आगे यहाँ पे मैट्रिक्स के आगे आप लोगों ने मेंशन करना है कि क्या, कि आपने चेंजिंग की है सबसे पहले रॉ टू के अंदर, और क्या चेंजिंग की है, आपने रॉ वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवा के रॉ टू के अंदर ऐड करवाया है। और रॉ थ्री के अंदर क्या चेंजिंग की है, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करके आर वन को आर थ्री के अंदर ऐड करवाया है। ये आप लोग आगे मेंशन कर देना है। अब आपको क्या करना है भाई, जो सेकंड रॉ है इसको आपने लीडिंग एलिमेंट वन बनाना है। तो बड़ा इजी है वन बनाना, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सेकंड रॉ को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो सेवन से। तो पहली वाली रॉ अपनी जगह पे, अच्छा जी, सेवन से डिवाइड करो ये वन हो जाएगा, इसको डिवाइड करो ये फाइव अपॉन सेवन हो जाएगा, और वो हो जाएगा थ्री अपॉन सेवन। और ये जो है ये अपनी जगह पे है। आगे मेंशन कर दो क्या किया आपने, बाई वन अपॉन सेवन को मल्टीप्लाई किया है आर टू से, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, वन के नीचे आपको जीरो चाहिए, तो आप मल्टीप्लाई करवाओ आर टू को माइनस सिक्स से और ऐड करवा दो नीचे। तो दो रॉ तो अपनी जगह पे एज इज आ जाएंगे। अब आप सेकंड रॉ को मल्टीप्लाई करवाओ माइनस सिक्स से और नीचे ऐड करवा दो, तो ये तो एज इज रहेगा। इसको माइनस सिक्स से करो माइनस सिक्स, ऐड करवाओ जीरो। इसको माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करवाओ, तो फाइव अपॉन सेवन को आप माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थर्टी अपॉन सेवन। तो माइनस थर्टी अपॉन सेवन को आपने ऐड करवाना है सेवन के अंदर, तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन माइनस थर्टी, नाइनटीन अपॉन सेवन। तो यहाँ पे आ जाएगा नाइनटीन अपॉन सेवन। इसी तरह इसको माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करवाओ थ्री अपॉन सेवन को, थ्री अपॉन सेवन को जब आप माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस एटीन अपॉन सेवन। अब माइनस एटीन अपॉन सेवन को आप ऐड करवा दो सिक्स के अंदर, तो सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, फोर्टी टू माइनस एटीन क्या होगा, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ठीक है? और आगे मेंशन कर दो कि मैंने क्या किया है, मैंने आर थ्री के अंदर चेंजिंग किया, क्या चेंजिंग किया, आर वन को मल्टीप्लाई, आर टू को मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स से और एड करवा दिया आर थ्री के अंदर चेंजिंग। अब आप देखो वन के नीचे आपको जीरो मिल गया, लाइफ आपकी ये थी। नाइनटीन अपॉन सेवन को आपने वन करना है, क्वेश्चन बता सकते हैं नाइनटीन अपॉन सेवन को वन कैसे करूं, लीडिंग एलिमेंट मुझे वन करना है। सेवन अपॉन नाइनटीन से मल्टीप्लाई, एक्सीलेंट भाई, सेवन अपॉन नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मामला आपका हल हो जाएगा। तो जीरो को तो मल्टीप्लाई करोगे फर्क नहीं पड़ेगा,
19 अपॉन 7 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 7 अपॉन 19 से तो ये चीज 1 हो जाएगी, और 24 अपॉन 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 7 अपॉन 19 से तो क्या होगा, 7 से 7 कैंसिल, 24 अपॉन 19, ये ठीक है। आगे मेंशन कर दो कि क्या किया आपने, आपने रॉ 3 को मल्टीप्लाई किया है 7 अपॉन 19 से। अब आप रैंक निकाल सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, जो मेन बात मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी है उस पे आ जाते हैं जरा, कि जब आपने जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है आपने पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने पहले कन्वर्ट किया, इक्लॉन फॉर्म किया, आप क्या करो यहाँ पे रैंक निकालो। अब रैंक निकाल के कैसे पता चलेगा, वो दो तीन पॉइंट है जो मैंने आप लोगों करवाने, ये स्क्रीनशॉट दे दो ताकि मैं ऊपर वाली चीज मिटा दूं। वो केसेस क्या बन रहे जरा उस पर आ जाते हैं, कैसे पता चलेगा सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सबसे पहली बात, अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू एन, भाई अगर ए मैट्रिक्स का रैंक, ए बी मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन ये आपस में बराबर हो। अब ये ए मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, ए मैट्रिक्स ये है, इसका अगर आप रैंक देखो तो 3 आ रहा है, क्योंकि 1 2 3 रॉ है इस ए मैट्रिक्स के अंदर और तीनों नॉन जीरो है, उसका मतलब ए मैट्रिक्स का रैंक क्या आ रहा है, 3 के बराबर। अगर आप ओवरऑल देखो, अगर इन चारों इन जो चार कॉलम्स है ओवरऑल इस पूरी मैट्रिक्स को देखो, कंसीडर कर लो ये दरमियान से मैं हटा देता हूं, तो ओवरऑल देखो तब भी रैंक इसका 3 आ रहा है। इनमें फर्क इस सिचुएशन में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लो यहाँ पे 0 आ रहा है, कंसिडर कर लो अब जो ए मैट्रिक्स का रैंक है वो 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि ये ए मैट्रिक्स है ना, अब इसका 2 रैंक होगा, 2 नॉन जीरो रॉ है। जबकि अगर आप पूरी मैट्रिक्स को देखो तो पूरी मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा, क्योंकि जब आप ओवरऑल देखोगे इन सबको तो आपको देखने में लगा है कि जो आखिरी रॉ है ये 0 तो नहीं है, इसके अंदर वो एलिमेंट भी आ रहा है, तो ये फर्क आपको नजर आएगा ए मैट्रिक्स में और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इस सिचुएशन के अंदर। इस वाली सिचुएशन में कोई फर्क आपको नजर नहीं आ रहा क्योंकि दोनों के रैंक जो है वो यहाँ पे, तो ए का रैंक और ऑगमेंटेड रैंक का जो रैंक है इनका बराबर है, और जो रैंक है वो क्या है, वो 3 है, मतलब नंबर ऑफ अननोन के बराबर है। तो दैट्स व्हाई ये वाला सॉल्यूशन जो है इसका मतलब आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए बराबर हो रैंक ऑफ ए बी के लेकिन लेस हो एन के, मतलब इन दोनों के रैंक आपस में बराबर हो लेकिन कंसीडर कर लो रैंक 2 आ रहा है दोनों का, कंसीडर कर लो आखिरी बार रॉ पूरी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो आप ए का रैंक निकालो या इस पूरी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक निकालो, 2 आ रहा है यहाँ पे, तो दोनों का रैंक बराबर है लेकिन लेस हो नंबर ऑफ अननोन के, 3 अननोन है ना यहाँ पे, तो इन दोनों के रैंक आपस में बराबर हो लेकिन छोटे हो नंबर ऑफ अननोन से, तो फिर आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये क्या था 24/19, तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर रैंक ऑफ ए बराबर ही ना हो रैंक ऑफ ए बी के, अब एन को छोड़ दो, एन का ताल्लुक ही नहीं हो, अगर ए और ए बी का रैंक ही आपस में बराबर ना हो, जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी इसको 0 करके, अगर ये 1 0 हो जाए तो ए का रैंक होगा 2 और पूरी ऑगमेंटेड का रैंक होगा 3, तो अगर ए और ऑगमेंटेड का रैंक ही आपस में बराबर नहीं हो तो फिर आप बोलोगे नो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं आ सकता, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपका सिस्टम कहलाया जाएगा कंसिस्टेंट, और इस वाले केस में आपका सिस्टम कहलाया जाएगा इनकंसिस्टेंट, ये बुरा कॉन्सेप्ट। तो अगर आप यहां पे देखो रैंक ऑफ ए, इसको इस तरह भी आप लिख सकते हो, आर ऑफ ए, मतलब रैंक ऑफ ए बराबर है यहां पे रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, और ये बराबर है नंबर ऑफ अननोन के, मतलब रैंक यहां पे 3 आ रहा है ना, तो नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो सिंस ए का रैंक ऑगमेंटेड का रैंक बराबर है और ये बराबर है नंबर ऑफ अननोन के, देयरफॉर जो आपका सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यहां पे आपको सॉल्यूशन निकालने का कोई नहीं बोल रहा, बस आपसे इस सवाल में पूछा गया था कि बताओ कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो आपने बता दी सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है। हाँ, अगर सॉल्यूशन की बात होती तो आप यहां से आप 3 इक्वेशन बनाते या इसको पहले आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो वो बात की बात है, आपको जस्ट बताना था कि कंसिस्टेंट है या नहीं, आपने बता दिया कि सिस्टम आपका कंसिस्टेंट, तो दोनों पार्ट कंसिस्टेंट ही है, मैंने पार्ट 1 करवाया ना, पार्ट नंबर 2 भी आप सॉल्व करना देखना, अब उसमें शायद दूसरी वाली सिचुएशन बन रही हो कि दोनों कंसिस्टेंट की सिचुएशन है ना, तो उसमें जरा देख लेना, मे बी रैंक जो है वो दोनों का आपस में बराबर हो लेकिन 2 आ रहा हो, मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम आ रहा हो,
तो वो भी कंसिस्टेंट ही है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन है कंसिस्टेंट के अंदर भी, लेकिन कहलाएगा वो कंसिस्टेंट है। तो बुक में मैंने आंसर देखे, दोनों के जो आंसर है वो कंसिस्टेंट ही आ रहे हैं। देखो बच्चों, कल की क्लास में जो मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड की है ना, उस रिकॉर्डिंग में मैंने ये वाला हिस्सा नहीं डाला था, ये जो इनवर्स वाला पोर्शन मैंने आप लोगों को समझाया था, और ये जो पोर्शन था मैंने उसके अंदर डाला नहीं था, क्योंकि आप लोगों को इतनी अच्छी बात समझ आई नहीं थी किसी को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज दोबारा समझाता हूँ, तुम लोग थोड़े फ्रेश हुए होगे, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह आज इसको ना रिकॉर्डिंग में मैं इंक्लूड कर दूंगा। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक क्या था? मैं थोड़ा सा आप लोगों को, एक स्टूडेंट बेचारा बार बार आ रहा जा रहा है, वेटिंग वेटिंग हो रहा है बार बार। चलो मैं हल्का फुल्का रिवीजन दे देता हूँ आप लोगों को, कि हमने 2.6 का पहला क्वेश्चन कर लिया था, पहला और दूसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपको बोला हुआ था कि होमोजेनियस इक्वेशन एक सिस्टम था पूरा, उसको आपको सॉल्व करना था, और जो दूसरा सवाल था वो ये था कि आपको चेक करना है कि जो आपका सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये दो सवाल हमने कर लिए थे। जो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 जो है वो जो क्वेश्चन है, जितने ये चार क्वेश्चन हैं, इसमें आपने क्या करना होता है, सिस्टम को सॉल्व करना होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सॉल्व करना था होमोजेनियस सिस्टम को, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 में, इन चार क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है नॉन होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम वो होता है कि जिसमें इक्वल टू कोई कॉन्स्टेंट मौजूद ना हो, सारे कॉन्स्टेंट जीरो हो, और नॉन होमोजेनियस पे होता है कि जिसमें सारे कॉन्स्टेंट जीरो नहीं होंगे। ये इनमें बेसिक फर्क है। तो ये दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। ये जो मैंने आप लोगों को टेक्निक बताई थी लास्ट क्लास में, वो टेक्निक ये थी, देखो जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था इसमें था कि अगर आपको चेक करना हो कि कोई सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उसका नो सॉल्यूशन होगा, या उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, तीन कैटेगरी होती है। तो हमने रैंक वाला सिस्टम देखा था कि रैंक के जरिए से आप बता सकते हो कि किस तरीके से, यार बार बार स्टूडेंट आ रहा है। तो ये क्राइटेरिया मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था। सबसे पहले अगर मैं होमोजेनियस सिस्टम की बात करूं, तो होमोजेनियस तो हमेशा कंसिस्टेंट रहता है, तो होमोजेनियस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो कंसिस्टेंट है या वो इनकंसिस्टेंट है, उसमें जरूरत पड़ती नहीं है आपको, क्योंकि होमोजेनियस का लाजमी एक सॉल्यूशन तो आ रहा होता है। तो एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, दोनों केसेस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट ही होते हैं। तो होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट रहता है। हाँ, अगर आप ये मालूम करना चाह रहे हो कि होमोजेनियस कंसिस्टेंट तो है, लेकिन क्या उसके यूनिक सॉल्यूशन है या उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो वहां पे मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि आप रैंक निकालोगे मैट्रिक्स ए का, अगर वो रैंक एन के बराबर आएगा, मतलब नंबर ऑफ अननोन के, तो आप बोलोगे यार उसका यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर वो लेस देन एन होगा तो आप बोलोगे यार उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। उसी चीज को आप डिटरमिनेंट के जरिए से भी चेक कर सकते हो। ये जो मैंने बात आपको बोली ना रैंक के जरिए से चेक करने की, इसको आप डिटरमिनेंट के जरिए से भी चेक कर सकते हो। जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो आसानी से। तो उसमें एक एक्स्ट्रा तरीका भी होता है कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालो और डिटरमिनेंट आपका जीरो के बराबर ना आए होमोजेनियस के अंदर, तो ये चीज आपको बताएगी कि उसका सॉल्यूशन जो है वो यूनिक आएगा, और अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए होमोजेनियस के अंदर, तो ये चीज आपको बताएगी कि उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो रैंक के जरिए से भी आप बता सकते थे और डिटरमिनेंट के जरिए से भी आप बता सकते थे। इसी चीज को आप ले आओ नॉन होमोजेनियस के ऊपर। नॉन होमोजेनियस में भी आप ये काम कर सकते हो, आप रैंक के जरिए से भी बता सकते हो कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, और आप डिटरमिनेंट के जरिए से भी बता सकते हो कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। रैंक के मैंने आप लोगों को तरीके बताए थे, ये मैंने कल डिटेल में समझाया था कि रैंक ए और ऑगमेंटेड का बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो तो यूनिक है, अगर लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो तो इनफाइनाइट मीनिंग है, और अगर इन दोनों के रैंक आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि यार सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनकंसिस्टेंट है वो। यही चीज आप डिटरमिनेंट से भी बता सकते हो। एक तो तरीका है रैंक का, ये समझ लो कि दो अलग तरीके हैं, ये मैंने आप लोगों को दो अलग तरीके बताए हैं, एक रैंक वाला तरीका है और एक डिटरमिनेंट वाला तरीका है, कि अगर आप डिटरमिनेंट निकालो और डिटरमिनेंट जीरो के बराबर ना आए, तो वो नॉन होमोजेनियस में क्या मिलेगा, आपको हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे आपके पास एक सिस्टम मौजूद हो ना नॉन होमोजेनियस का, आपने उसको कन्वर्ट किया मैट्रिक्स ए के अंदर, उस मैट्रिक्स ए का आपने डिटरमिनेंट निकाला, अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा, यूनिक मिलेगा, और अगर डिटरमिनेंट जीरो के बराबर आ रहा है, इसका मतलब आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं या नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। कुछ ऐसे आप सिस्टम देखोगे जिसमें डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन सॉल्यूशन कोई भी नहीं आएगा, और ऐसे भी होंगे जिसमें डिटरमिनेंट जीरो है लेकिन आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएंगे। तो ये तरीका डिटरमिनेंट वाला है, ये तरीका रैंक वाला है। हम नॉर्मली रैंक वाला यूज करते हैं, लेकिन बुक में डिस्कस हुआ है तो मैंने आप लोगों को बता दिया ये भी चीज, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को उस वक्त क्लियर किया था। अब आ जाओ, यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लो,
थोड़ी बहुत अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो यहाँ तक. नहीं है. अच्छा, अब जो टॉपिक था ना 3, 4, 5, 6, इसमें था कि आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है. पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था होमोजेनियस का सॉल्यूशन, लेकिन अब हमें नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करना है. तो मैंने बताया था नॉन होमोजेनियस को सॉल्व करने के वैसे तो 5 तरीके होते हैं. एक तरीका होता है सब्स्टिट्यूशन का या एलिमिनेशन का, जो आप लोग मैट्रिक लेवल पे करते हुए आए थे, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें 3 अगर इक्वेशन है उसको आप एलिमिनेट करो, सब्स्टिट्यूट करो, वो हमें इतना पसंद आता नहीं है. लेकिन वो भी हम यूज करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है उसके अंदर. लेकिन ऐसे तरीके जिनको मैट्रिसेस की हेल्प से आप सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो वो 4 तरीके हैं. सबसे पहला तरीका मैंने कल बताया था, वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड. ये मेथड आपको सॉल्यूशन देगा सिस्टम का. कैसे? आप अपने सॉल्यूशन को, अपने सिस्टम को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे. मैंने बताया अगर इक्वेशन गिवन है तो आप ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उसको. ए जो है वो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, एक्स जो है वो अननोन की है, और बी जो है वो कॉन्स्टेंट की मैट्रिक्स होती है. आप दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाओ, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी x इज इक्वल टू ए इनवर्स b. मतलब अगर आपने x निकालना है तो आप a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास x आ जाएगा. और x क्या है? नंबर ऑफ अननोन होंगे इसके अंदर, x, y, z. तो ये जो x मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर आपके अननोन होंगे x, y, z. तो अगर x की वैल्यू आ जाए आपके पास, मतलब x, y, z की आपके पास वैल्यू आ जाएगी. तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल रहे होते हो, जो क्वेश्चन नंबर 3 में मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा. लेकिन मैंने एक बेसिक बात बताई थी आप लोगों को कि ये तरीका जो है ये फेल कर जाता है. कब? जब आपका सिस्टम जो है ना, अगर वो नॉन सिंगुलर हो, मतलब जब आप ए मैट्रिक्स बनाओ ना और वो ए मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो, अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगी उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. मैंने आप लोगों को बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है. तो अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो उसका इनवर्स निकल ही नहीं पाएगा. आपने इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है ना, तो अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते. और वंस आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब आप सॉल्यूशन भी निकाल नहीं सकोगे. तो अगर आपसे पूछे कोई यार इस मेथड की लिमिटेशन क्या है, ये मेथड कहां पे फेल होगा, तो ये मेथड उस जगह पे फेल होगा जहां पे आपकी जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होगी. सॉरी बार बार गलत निकल जाता है, सिंगुलर होगी. मतलब उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो होगा उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा. जब इनवर्स पॉसिबल नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन निकाल नहीं सकोगे. ये इस मेथड की लिमिटेशन है. एक और लिमिटेशन भी ये है कि अगर आपका मेथड स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, मतलब उसके अंदर 3 अननोन हो और 4 इक्वेशन हो. 3 अननोन होंगी, 4 इक्वेशन होंगी, तो अब ये समझ लो कि जो ऑर्डर होगा ना मैट्रिक्स का वो 4/3 होगा. अब 4/3 मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट कैसे निकालोगे? तो अगेन ये मेथड आपका फेल हो जाएगा. तो दो सिचुएशन है, या तो आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जो सिंगुलर हो तब आप ये मेथड नहीं लगा सकते, या जो आपकी मैट्रिक्स बनी है वो स्क्वायर ना हो. अगर वो स्क्वायर नहीं होगी तो आप ना डिटरमिनेंट निकाल सकोगे ना ये मेथड अप्लाई कर सकोगे. ठीक है, ये जो सॉल्यूशन के मेथड है ना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला मेथड और जो अगला वाला मैं बताऊंगा, ये मैंने होमोजेनियस के अंदर नहीं आप लोगों को बताया था. होमोजेनियस के अंदर तीसरा और चौथा मेथड बताया था और क्वेश्चन नंबर 1 भी उसके जरिए से सॉल्व करवाया था. उसकी वजह यह है कि होमोजेनियस के अंदर ये वाला मेथड काम ही नहीं कर सकता. काम कर सकता क्योंकि होमोजेनियस के अंदर देखो दो केसेस होते हैं, या तो डिटरमिनेंट जीरो होगा या डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा. अगर तो डिटरमिनेंट जीरो होगा मेथड लगा ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपने अभी पढ़ लिया कि ये मेथड फेल हो जाएगा जब डिटरमिनेंट जीरो है. इसका मतलब होमोजेनियस वाले केस में जब डिटरमिनेंट जीरो होगा आप ये मेथड लगा ही नहीं सकते. और जो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो वाला केस है उसमें आपको पता है एक ही सॉल्यूशन आएगा और वो सॉल्यूशन होता है 0, 0, 0. तो उसमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है सॉल्यूशन 0, 0, 0 है. तो दैट्स वाई ये वाला मेथड और इससे अगला वाला मेथड जो है ना, ये आप होमोजेनियस के अंदर नहीं पढ़ते थे. आप होमोजेनियस में जो बाकी दो मैं बताऊंगा ना एंड के, वो होमोजेनियस के अंदर पढ़ा करते थे. ये वजह है जिसके तहत हम ये वाले मेथड होमोजेनियस के अंदर नहीं पढ़ते, सिर्फ नॉन होमोजेनियस के अंदर पढ़ते. ठीक है, क्योंकि नॉन होमोजेनियस के अंदर जब डिटरमिनेंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो आता है वो सॉल्यूशन आप इस मेथड से निकाल रहे होते हो, और अगर वो जीरो आएगा तो फिर मेथड नहीं, आप बाकी मेथड अप्लाई कर रहे होगे. ये सिस्टम आपको गिवन है. अच्छा जी, सॉल्यूशन कैसे निकालना है भाई? सबसे बेसिक स्टेप ये होता है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में. क्या आपको ए पता हो, आपको बी पता हो क्या है? जरा उस फॉर्म में इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. मैट्रिक्स की फॉर्म क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी, वेयर ए यहाँ पे क्या है? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. जरा पहले कॉलम में आप एक्स के कोएफिशिएंट उतार दो, दूसरे कॉलम में वाई के कोएफिशिएंट, तीसरे कॉलम में जेड के कोएफिशिएंट. ठीक है, ये आपका हो गया ए. उसके बाद एक्स क्या होता है? अननोन मैट्रिक्स, मतलब एक्स वाई
जेड तरतीब से आपने उतारना होता है. पहला कॉलम एक्स का है ना, तो आपने पहले एक्स लिखना है. दूसरा कॉलम वाई का है, फिर आपने वाई लिखना है. तीसरा कॉलम जेड का, फिर आपने जेड लिखना है. क्योंकि आगे जब नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, मे बी एक्स वाई जेड ना हो, यू वी जेड हो जाए, या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कुछ ऐसा हो जाए, तो आपने देखना है कि आपने इक्वेशन में क्या ऑर्डर रखा है. इक्वेशन में सबसे पहले एक्स की टर्म आ रही है, तो फिर यहाँ पे भी एक्स आएगी, फिर वाई की टर्म है, फिर यहाँ पे वाई आएगी. तो ये ऑर्डर जरा देख लेना. ये कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को इंशाल्लाह काम आएंगे बाद में. और जो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है वो ये है. तो आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आपकी लाइफ ईजी है. आपको मालूम यहाँ पे क्या करना है, आपको मालूम करना है ये चीज, एक्स निकालना ना आपको. एक्स कैसे आएगा, जब आप ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करोगे. तो मतलब अल्टीमेट गोल क्या है आपका, बी मैट्रिक्स तो आपको पता है, ये ए इनवर्स आपको नहीं पता, मतलब ए इनवर्स आपको निकालना है. तो अब जो हमारा गोल है ना, उस गोल पे आ जाते हैं हम, और हम ए इनवर्स निकालते हैं. तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए पता होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर आप लोगों के सामने लिखी भी है. हम इसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, ये फॉर्मूला था. तो जब आपने इनवर्स निकालना था, एडजॉइंट पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट पता होना चाहिए, आपका इनवर्स आ जाएगा. लेकिन डिटरमिनेंट आप पहले निकालोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट जीरो आ जाए तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा. तो एडजॉइंट पहले निकाल लोगे इतना लंबा, फिर बाद में डिटरमिनेंट निकालोगे और फिर पता चला कि इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो बेवकूफ हो गए ना. तो पहले जरा डिटरमिनेंट निकाल लो और चेक करो कि मैट्रिक्स आपकी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, कि इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है. किसी भी रॉ से एक्सपेंड कर दो, कहीं भी आपको जीरो नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप पहली रॉ से एक्सपेंड कर देते हैं. ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, पीछे बचेगा 10, -3, 1 और 1. सेकेंड कॉलम के सेकेंड नंबर के साथ माइनस आता है, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव. ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1, -1, -3, 1. और फिर आखिरी एलिमेंट है 2. ये चार एलिमेंट आएंगे, 1, -1, 10 और 1. हम मजीद सॉल्व करते हैं इसको. ये हो जाएगा 10, 1 को -3 से करो, -3 होगा, लेकिन दरमियान में भी एक माइनस आता है. अबे डिटरमिनेंट आप लोगों को निकालना आना चाहिए सही तरीके से. अच्छा जी, ये हो जाएगा 1, दरमियान में माइनस, और -1, -1 क्या होता है, सॉरी -1 और -3 पॉजिटिव 3. इसी तरह 1, -1, दरमियान में माइनस, -1 को 10 से करो, -10, ये वाला माइनस उससे पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिचुएशन आ जाएगी. 10+3 क्या होता है बच्चों, 13, 13 2 जा 26. 1 -3 -2, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो -2 होगा. 1+10 11, 11 को 2 से करो 22. तो सॉल्व करो, आपका जो डिटरमिनेंट है वो 46 आ रहा है, 46 ही आ रहा है ना. हाँ, तो इसका मतलब आपका डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब इनवर्स. जैसे ही आपको पता चला कि डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एक तो वैल्यू उसकी बाद में आपको काम आएगी, लेकिन अभी हम बेसिकली पता करना चाह रहे थे क्या डिटरमिनेंट जीरो है इसका या नहीं है. तो जीरो नहीं है, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है. और वंस इनवर्स पॉसिबल है, तो आप क्या करोगे, आप एडजॉइंट निकालोगे. अब अगर आप लोगों को याद हो तो एडजॉइंट किस तरह निकालते थे, आप किसी को याद है एडजॉइंट निकालने का तरीका? एडजॉइंट निकालने का तरीका ये होता था कि आप को फैक्टर्स निकालते थे, 9 को फैक्टर निकालते थे, एक को फैक्टर मैट्रिक्स बनाते थे और उसका फिर ट्रांसपोज ले लिया करते थे. तो जरा निकाल के दिखाता हूं मैं आप लोगों को. सबसे पहले मैं पहली रॉ का आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है, जो ए मैट्रिक्स है पहली रॉ का बता दूंगा, बाकी जो है वो आप लोग खुद ही उस पैटर्न पे निकाल लेना. अच्छा जी, तो निकालने का तरीका ये होता था, सबसे पहले आप इस एलिमेंट को देखो, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या थी, 1, 1. तो को फैक्टर को आप लिखते हो कैपिटल ए से, ठीक है. कैसे निकलेगा, आप लिखोगे -1 और जो इसकी पोजीशन है उनको आपस में ऐड करो. आपने ऐड कर दिया 1+1. उसके बाद आपने लेना होता है माइनर. माइनर क्या होता है कि जिस रॉ में उस रॉ को डिलीट कर दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को डिलीट कर दो, पीछे चार एलिमेंट बचेंगे, 10, 1, -3, 1. ये हुआ यहाँ पे सिस्टम. उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे उसको. सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हो जाएगा. अब जरा आप सेकंड को फैक्टर पे आ जाओ. सेकंड है 1, 2 वाला, इस पोजिशन का को फैक्टर निकालना है. तो ये हो जाएगा -1 × पावर क्या हो जाएगी, 1+2. अच्छा, इस एलिमेंट का जब आप निकालोगे तो इस रॉ को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, पीछे बचेगा 1 -1, -3 और 1. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद तीसरे का निकालते हैं.
माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री। अच्छा इस एलिमेंट की अगर आप बात करो तो इस रॉ को डिलीट, इस कॉलम को डिलीट, ये चार एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखो वन प्लस वन तो टू होता है, माइनस वन की पावर टू तो पॉजिटिव हो जाएगा, वन प्लस टू यहाँ पे थ्री होगा, माइनस वन की पावर थ्री नेगेटिव आंसर आएगा, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, तो जरा इधर तो पॉजिटिव है ना, तो इग्नोर कर दो, टेन को वन से करो टेन, माइनस वन को माइनस थ्री से करो माइनस थ्री, ये हो जाएगा थर्टीन, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, वन को वन से करो वन, दरमियान में माइनस, माइनस वन को माइनस थ्री से करो पॉजिटिव थ्री, तो ये माइनस टू हो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई आगे टू हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वन प्लस टेन, यहाँ पे इलेवन हो जाएगा। ये वही चीजें जो आपने यहाँ पे की थी, डिटर्मिनेंट आपने पहली रॉ से निकाला था ना, तो वही आपको थर्टीन माइनस टू और इलेवन मिलेगा जो यहाँ पे मिल रहा था आपको, बस फर्क ये है, बल्कि कोई भी फर्क नहीं है, यहाँ पे सेम ही, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे ना आप एलिमेंट से भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट को फैक्टर आपको निकालने। तो बच्चों इसी पैटर्न पे आपको बाकी छह को फैक्टर भी निकालने हैं, तो जरा वो मैं निकाल देता हूँ, आप लोग देखते जाओ, अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना। चलो एक और बताया था, टू वन का आपने निकालना है ना, तो टू वन ये वाला एलिमेंट है, तो इस रॉ को डिलीट कर दो, इस कॉलम को डिलीट कर दो, तो ये दो एलिमेंट और ये दो एलिमेंट ये बचेंगे, ये आपने नौ को फैक्टर निकालने हैं। वंस आपके पास ये को फैक्टर्स आ जाएं, अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, ये जो को फैक्टर्स हैं इसको आप एक मैट्रिक्स में बनाओगे और डायरेक्ट आप उसका ट्रांसपोज ले लोगे, या दूसरा तरीका ये है कि आप ट्रांसपोज लेने से अगर बचना चाह रहे हो तो नॉर्मली हम एलिमेंट्स को रॉ वाइज फिल करते हैं ना, इसको 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 इस तरह करते हैं, आप इनको डायरेक्ट कॉलम वाइज पुट कर दो। ये मैंने एडजॉइंट के अंदर भी आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज लेने से बेहतर है कि आप इनको ना कॉलम वाइज एलिमेंट्स को पुट करो, तो डायरेक्ट आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं मिटा सकूं। बी मैट्रिक्स पता होनी चाहिए, फोर टेन याद रख लो, बी मैट्रिक्स मैं पूछूंगा अभी क्योंकि मुझे काम होगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, फोर टेन माइनस सिक्स है, अच्छा जी, तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, तो आप क्या करो इसको कॉलम वाइज फिल करो, आप लिखो थर्टीन टू इलेवन, इसी तरह थ्री फोर वन, इसी तरह माइनस सेवनटीन एट और ट्वेंटी वन, तो डायरेक्ट मैंने इनको कॉलम वाइज लिखा ताकि मैं ट्रांसपोज देने के झंझट से बच जाऊं, मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब वक्त आ गया कि आप उस इक्वेशन में पुट करो और डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालो। इक्वेशन क्या थी जिससे आपके पास वैल्यू आनी थी एक्स मैट्रिक्स की, ये इक्वेशन थी, ठीक है, आप अलग से एन वर्स लोगे तो बेहतर है डायरेक्ट ही पुट कर दो एन वर्स का फॉर्मूला। एन वर्स का फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपने बी मैट्रिक्स से। अच्छा इस डिटरमिनेंट को आप साइड पे भी लिख सकते हो, जैसे वही बात अगर मैं लिखूं टू अपॉन थ्री, या मैं इसको लिख सकता हूं वन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई टू, एक ही बात है ना, तो इस डिटरमिनेंट को हम साइड पे कर देंगे। तो अगर आपको याद हो डिटरमिनेंट आया था 46, तो ये डिटरमिनेंट नीचे लिख दो 46, तो ये मैंने डिटरमिनेंट को साइड पे कर दिया, ठीक है। एडजॉइंट लिखते हैं, एडजॉइंट आपके सामने आ गया 13 3 माइनस 17 2 4 8 11 1 21, ये आपके पास आ गया एडजॉइंट, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, बी मैट्रिक्स से, बी मैट्रिक्स थी 4 10 माइनस 6, तो ये आपने उस फॉर्मूले में पुट कर दिया x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्मूले। अब आपकी मर्जी है, पहले आप 46 से इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर दो, या पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मैट्रिक्स आए उसको डिवाइड कर दो 46 से, दोनों ऑप्शन है, मेरे ख्याल में मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर ज्यादा बेहतर है, वरना 46 से भी डिवाइड करोगे ना फ्रैक्शंस टाइप की आ जाएंगी, फिर मल्टीप्लाई करोगे अजीब लगेगा दिखने में, पहले इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर हम बाद में 46 से डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करना बड़ा ईजी है, आप लोगों को बताया हुआ मैंने, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई करो 52, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो 30, माइनस 17 को माइनस 6 से करो, एक तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा आंसर क्या हो जाएगा 102, 6 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करें 60 आता है, और 6 को 7 से करें 42 आते हैं, तो 60 और 42 एक तो जॉइंट ऑफ ए में 32 तो वो होगा ना माइनस 1, 32 माइनस, किधर मैं समझ नहीं आया, A32 जो एडजॉइंट ऑफ ए में
A32। अच्छा हाँ, ये माइनस क्या होना चाहिए, -1। A23 है ना, वो तो उसके हिसाब से -1 है, और वहां पे लिखते तो 1 लिखा हुआ है। एक सेकंड, मैंने गलत लिखा, 4 -1। अच्छा हाँ सही है, अच्छा तुमने बताया ना, आंसर गलत हो जाते तो यहाँ पे -1 आएगा। शुक्रिया भाई। ठीक है, अच्छा तो इस रॉ को आपने मल्टीप्लाई किया कॉलम से, वो आपने लिख दिया। अब मजीद कुछ और कॉलम नहीं है ना कि आप जगह छोड़ के लिखते, कोई और कॉलम नहीं है, तो आप सेकंड रॉ पे आ जाओ। अब इस रॉ को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, 2 को 4 से करो 8, 4 को 10 से करो 40, 8 को -6 से करो -48। अगेन अब थर्ड रॉ पे आओ, 11 को मल्टीप्लाई करो 4 से 44, -1 को 10 से करो -10, और 21 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 126 आई गेस। ये आपके पास आ जाए। अब क्या करते हैं, हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 52 और 30 ये हो जाएगा 82। 82 को इसके अंदर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 184। 8 + 40 ये तो 0 हो रहा है। अच्छा 8 + 40 48, 48 - 48 0 हो जाएगा ये। 44 - 10 या माइनस, इसको ऐड करते हैं -36 है, -136। -136 से अगर आप 44 निकालोगे तो आई गेस 92, -92 बचेगा। ये सिचुएशन आ गई है। अब देखो आपकी मैट्रिक्स कितनी इजी है, आप आसानी से 46 से डिवाइड कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएंगी। तो आप क्या करो, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जगह नहीं है, ये नीचे आप लिखना, आप 46 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से डिवाइड कर दो। तो 184 को डिवाइड करो 46 से, 0 को डिवाइड करो 46 से, -92 को डिवाइड करो 46 से। तो अब आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा, ये जो है ना ये एक्स का आंसर आ रहा है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा। और वो क्या होगा, 184 को आप 46 से डिवाइड करो 4 आएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, और -92 को 46 से डिवाइड करोगे -2 आएगा। तो बच्चों ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, आपने सिस्टम को सॉल्व कर लिया। ये सिस्टम आपको बता क्या रहा है, ये बता ही रहा है कि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू -2 है। इस तरीके से आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, कोई भी अगर आपके पास नॉन होमोजेनियस सिस्टम मौजूद है, आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, वैल्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिख देना कि एक्स की वैल्यू 4 है, वाई की वैल्यू 0 है, जेड की वैल्यू -2 है, ये सॉल्यूशन है। और अब देखो सवाल इतने अच्छे सवाल हैं कि पेपर में अगर आए तो लाजमी अटेम्प्ट करना। क्यों अटेम्प्ट करना, सबसे पहली बात हर स्टेप पे आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। क्या मतलब भाई, सबसे पहले कैलकुलेटर से आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। अगर आपको चेक करना है, जो मैं कैलकुलेटर के तरीके बता रहा हूँ, ये सब मैंने अपने चैनल पे ना कैलकुलेटर दिखा दिखा के बताया है किस तरीके से डिटरमिनेंट आपने निकालना है। तो अगर मेरे चैनल पे जाओगे, एक प्लेलिस्ट है हाउ टू यूज कैलकुलेटर, उसमें आप जाओगे आप सीख लोगे डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। तो जब डिटरमिनेंट आपका 46 आया, आप कैलकुलेटर में चेक कर लेना क्या 46 आ रहा है, ये आपका आंसर वहां पे चेक हो गया कि आपकी वर्किंग बिल्कुल ठीक है। फिर आपने पूरा एडजॉइंट निकालना है यहाँ पे आके, आप कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट ने बोला कि सर आपने माइनस नहीं लिखा, गलती हो सकती है। तो आप क्या करोगे, आप कैलकुलेटर में जाओगे एडजॉइंट निकालोगे, कैलकुलेटर एडजॉइंट भी आपको दे देगा आसानी से, आप मैच कर लेना कि आपका एडजॉइंट मैच कर रहा है नहीं कर रहा। जब ये सब हो जाए, एडजॉइंट भी आपने चेक कर लिया, डिटरमिनेंट भी चेक कर लिया, यहाँ पे आके आपके पास सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन से भी आप चेक कर सकते हो, वैसे आप 3 इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो। आप कैलकुलेटर में जाना, मैंने एक मेथड बताया हुआ है, इन तीनों इक्वेशन को जो सवाल में गिवन थी, इन तीनों इक्वेशन को कैलकुलेटर में पुट करना, कैलकुलेटर का बटन दबाओगे कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको ये आंसर देगा 4 0 -2। तो आसानी से चेक कर सकते हो। तो कैलकुलेटर से पूरा सवाल आप चेक कर सकते हो कि कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की, आपको फौरन पता चल जाएगा। और जो आपका आंसर आ रहा है, इसको आप मैनुअली भी चेक कर सकते हो। मैनुअली चेक करने का मतलब, जो आपके पास 3 इक्वेशन थी ना, उनके अंदर पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं खुद चेक कर लेता हूँ, जो पार्ट नंबर 2 है उसमें पहली इक्वेशन थी 2x - y + 2z, तो x की जगह पे जब आप 4 पुट करोगे तो 8 हो जाएगा, y तो 0 है, z की जगह पे -2 पुट करोगे तो -4, 8 - 4 4 के बराबर होता है, इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह बाकी 2 इक्वेशन में भी पुट करना x y z की वैल्यू, आप देखोगे लेफ्ट हैंड से राइट साइड के बराबर आ जाएगी, सवाल आपका सॉल्व, आप हंसी खुशी अपने आप को खुद ही पूरे नंबर दे देना। तो वो सवाल अटेम्प्ट करना पेपर में, अगर आपको बिल्कुल चॉइस में, फॉर एग्जाम्पल 10 आपको करने और 12 सवाल आपको आते हैं और करने आपको 10 हैं, तो आप उन 12 में से वो 10 सेलेक्ट करना जो मैक्सिमम, जिनको आप आंसर प्रूफ कर सकते हो उनका, जैसे ये सवाल है प्रूफ कर सकते हो आप इसमें। तो इससे फायदा ये होगा कि आप उसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी ना, आप अपना आंसर खुद चेक करते जा रहे हो तो फिर गलती की क्या गुंजाइश रहेगी। तो बिलफर्ज कभी ज्यादा क्वेश्चन आते हो, आपको कम करने हो, तो वो वाले क्वेश्चन सेलेक्ट करना जिनके आंसर आप प्रूफ कर सकते हो, और ये वो क्वेश्चन उनमें से है
आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि मिस्टेक तो नहीं आपने की थी। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का टॉपिक खत्म। एक मेथड आपने देख लिया कि आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। कोई सवाल है पूछ लो, मैं दूसरे मेथड पे आता हूँ। जो पार्ट नंबर टू है ना सिक्स का, इसमें अगर आप देखो तो ये सिस्टम ऐसे होना चाहिए था। इन्होंने आपकी आसानी के लिए उसको इस तरह लिखा हुआ है, 3x + y = -5, 2x + z = -1। ओरिजिनली आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट टू ये होना चाहिए था। अगर आप इसमें देखो तो पहली इक्वेशन में जेड मिसिंग है, दूसरी में भी जेड मिसिंग है, तीसरी में वाई मिसिंग है, हैं तीन ही अननोन, एक्स वाई जेड। इस पूरे सिस्टम में आपको तीन अननोन नजर आ रहे हैं, तीन ही इक्वेशन आपको नजर आ रही है। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ पे जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें आपको क्या करोगे, मैंने बताया था सबसे पहला कॉलम होता है एक्स का, तो इधर एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो 1, 3, 2। इसमें वाई का कोएफिशिएंट -2 है, इसमें वाई का कोएफिशिएंट 1 है, और इसमें वाई है ही नहीं, क्या लेना है इसको, जीरो लेना है। इसी तरह जेड का कोएफिशिएंट 0 है, यहाँ पे भी जेड नहीं है, इसका मतलब 0, और यहाँ पे जेड का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये मैट्रिक्स आपकी बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो मेथड आप लोगों को बताऊंगा वो अप्लाई करना, लेकिन ये सवाल काफी इजी होगा, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो सवाल बड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों का, तो ये आप लोग को ट्राई कर लेना। बुक वालों ने आपको ऑलरेडी जीरो लगा के दिए हैं, मतलब यहाँ पे 0z लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 0z लिखा हुआ है, यहाँ पे 0y लिखा हुआ है, तो बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसकी जगह आप जीरो लिख सकते हो कोफिशियंट उसका बना के, और कोफिशियंट मैट्रिक्स में भी आपने उसकी जगह पे जीरो लिखना है, ठीक है। पार्ट नंबर वन में करवा देता हूँ। ये पार्ट नंबर वन है क्वेश्चन नंबर सिक्स का। सबसे पहली बात अगर आप देखो तो नॉन होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस क्यों है, अगर आप देखो तो सारे कांस्टेंट जीरो नहीं है। अगर सारे कांस्टेंट जीरो होंगे तो तब आप बोलते हो कि वो होमोजेनियस है। अगर कोई एक भी कांस्टेंट नॉन जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो है कोई एक भी कांस्टेंट, यहाँ पे तो दो कांस्टेंट नॉन जीरो है अदर देन जीरो है, तो वो सिस्टम आपका नॉन होमोजेनियस ही कहलाता है। यहाँ पे आपको करना क्या होगा, जो मेथड मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो मेथड कहलाता क्या है, एक सेकेंड। सबसे पहली चीज आप इसको कन्वर्ट कर दो इस फॉर्म में। इस फॉर्म में यहां पे कन्वर्ट करने का मकसद बस ए और बी की वैल्यू निकालना है। पहले मेथड में तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालते थे ना, यहां पे बस ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब आपको ए और बी पता होना चाहिए यहां पे, और अननोन तो आपको वैसे सवाल से भी दिखने में लग रहे हैं कि क्या क्या अननोन है। यहाँ पे जीरो है तो जीरो लिख दूंगा मैं। एक्स यहाँ पे क्या होगा, वही एक्स वाई जेड, ये तीन अननोन है, और बी यहाँ पे क्या है, 2, 4, 0। तो ये आपने इस मैट्रिक्स इक्वेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया। जो मेथड सेकंड नंबर बताने लगा उस मेथड को आप कहते हो क्रैमर्स रूल। इस मेथड की लिमिटेशन है, ये मेथड आप यही पे देखोगे, होमोजेनियस के अंदर आपने नहीं देखा। क्यों, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाए तो अगेन ये मेथड वर्क नहीं करेगा। अभी आपको समझ आएगी कि ये वर्क क्यों नहीं करेगा। अगर इस मैट्रिक्स का जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो हो जाए तो अगेन ये मेथड फेल हो जाएगा। तो जैसे आपने पहला वाला मेथड देखा था उसी तरह सेम लिमिटेशन इसकी भी है कि भाई मैट्रिक्स जो है वो आपकी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो सिंगुलर हुई उसका डिटरमिनेंट जीरो हुआ तो आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते और आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, आपको फिर बाकी मेथड पे जाना पड़ जाएगा। तो ये लिमिटेशन है इसकी, लेकिन फायदा इसका क्या है, बहुत इजी मेथड है। आप अभी देखोगे इसमें आपको बस चार डिटरमिनेंट निकालने हैं, कोई एडजॉइंट कोई लंबी करने की आपको जरूरत नहीं है, चार डिटरमिनेंट जैसे ही निकालोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा इजी होता है, दैट्स वाई इसका फायदा है ये। बहरहाल निकालते कैसे, अगेन वही जो मैंने बात बोली, चार डिटरमिनेंट आपको निकालने। सबसे पहले आपको निकालना है डिटरमिनेंट ए, ये जो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, तो पहले मैं इसका निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, इस मैट्रिक्स में एक जीरो मुझे नजर आ रहा है, तो या तो मैं रॉ थ्री से एक्सपेंड कर देता हूँ या कॉलम थ्री से। मैं रॉ थ्री से एक्सपेंड कर देता हूँ इसको। तो पहला एलिमेंट है 1, ये रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, ये चार एलिमेंट आएंगे, -2, 2, 1, -1। अच्छा जी, दूसरा एलिमेंट है इसके साथ माइनस आएगा, रॉ डिलीट, ये कॉलम डिलीट, 1, 2, 1, -1। और तीसरा एलिमेंट तो जीरो है, लिखो ना लिखो बात एक ही है। -2 को -1 से करो 2,
टू को वन से करो टू, वन को माइनस वन से करो माइनस वन, टू को वन से करो टू, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको तो खत्म करो। माइनस वन को माइनस टू से करोगे माइनस थ्री, माइनस थ्री और माइनस वन ये हो जाएगा थ्री, उसका मतलब आपका डिटर्मिनेंट जो है वो थ्री आया है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब आप यहाँ पे हम ये नहीं लिखेंगे इनवर्स पॉसिबल, क्योंकि हमने इनवर्स नहीं निकालना, हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल, क्योंकि अभी आप जब फॉर्मूले देखोगे ना, उन फॉर्मुलों में एक्स वाई जेड इन तीनों वैल्यूज जो हैं ये कैसे निकालोगे, डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में आ रहा होगा, तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो मैंने पहले ही बताया था आपकी फ्रैक्शन अनडिफाइन हो जाती है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इनवर्स आप यहाँ पे नहीं निकाल रहे, लेकिन डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर सॉल्यूशन नहीं आ सकेगा। तो वंस आपने लिखा कि डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो फिर आप लिखो भाई इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। अब वो कैसे निकालना सॉल्यूशन, उस पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे चार डिटरमिनेंट निकालने थे, एक तो आपने निकाल लिया डिटरमिनेंट, अब बाकी तीन और डिटरमिनेंट निकालने हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहला उन तीनों में से है जिसको हम बोलेंगे ए एक्स, बुक ने उसको ए वन का नाम दिया है, लेकिन ए वन इतना अच्छा नाम नहीं है, ए एक्स अच्छा नाम है, ये आपको बाद में समझ आएगी ए एक्स क्यों, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू निकाल के देगा आपको, इसलिए ए एक्स नाम रख लें। और ये डिटरमिनेंट आएगा कैसे, ये डिटरमिनेंट सिंपल, ये जो ए मैट्रिक्स है ना आप उसको लिखो, जो पहला कॉलम है उस कॉलम जो एक्स का कॉलम था उसकी जगह पे आप कॉन्स्टेंट का कॉलम लिख दो, ये जो ए मैट्रिक्स में पहला कॉलम था ना जो एक्स का कॉलम था, इसकी जगह पे आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो इसको कॉन्स्टेंट टर्म से, तो यहाँ पे 2 4 0 आप लिख दो, 2 4 0, तो पहले कॉलम की जगह आपने ये जो बी मैट्रिक्स है ये लिख दी है, और बाकी दो कॉलम है वो तो अपनी जगह पे रहेंगे, माइनस टू टू वन माइनस वन जीरो। तो बस चेंजिंग क्या करनी है आपको, एक्स का जो कॉलम है उसकी जगह पे आपने कॉन्स्टेंट का कॉलम लिख दिया, बाकी दो कॉलम जो है वो अपनी जगह पे है। अब आपने इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको रॉ थ्री से एक्सपेंड करो, क्योंकि रॉ थ्री के अंदर दो जीरो ऑलरेडी मौजूद है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो रॉ थ्री से एक्सपेंड करते हैं, दरमियान वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आएगा, पहली और आखिरी टर्म तो वैसी जीरो होगी, इस रॉ को डिलीट करो, इस कॉलम को डिलीट करो, 2 4 और 1 माइनस 1, आप लोग नीचे सॉल्व करना है, फिर मैं 2 को -1 से करो ये हो जाएगा -2, 4 को 1 से करो ये हो जाएगा 4, -2 और -4 क्या होता है -6, -6 को -1 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, तो आपके पास ए एक्स का आंसर आ जाएगा 6, इसको डब्बा बना लेते हैं बाद में काम आएगा ये, ठीक है। फिर आपने निकालना है यहाँ पे ए वाई, आप लोग समझ गए होंगे ए वाई में हम क्या करेंगे, कोई स्टूडेंट बता सकता है ए वाई में क्या होगा, एक्सीलेंट भाई, जो वाई का कॉलम है ना, वाई का कॉलम ये सेकंड वाला है, इसको आप हटाओ डिलीट करो और इसको इधर लगा दो, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इसको आपने करना है कट, इस चीज को करना है कॉपी और यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 4 0, बाकी पहला और तीसरा कॉलम अपनी जगह पे है। अगेन इस डिटरमिनेंट को निकालने के लिए आप रॉ थ्री से एक्सपेंड करो, दो जीरो हैं, कैलकुलेशन आपकी बड़ी इजी हो जाएगी, तो रॉ थ्री है, एक ही एलिमेंट है 1, रॉ डिलीट ये कॉलम डिलीट, आपके पास आएगा 2 1 4 -1, थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 को -1 से करो -2, 4 को 1 से करो -4, -2 और -4 क्या होता है -6, तो आपके पास ए वाई आ जाएगा -6। अब बस आखिरी डिटरमिनेंट आपको निकालना है और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, आखिरी डिटरमिनेंट है ए जेड, ए जेड नाम से आपको बता रहा है क्या करोगे, जो तीसरा कॉलम है उसको करोगे कट, इसको करोगे कॉपी और कर दोगे यहाँ पे पेस्ट, तो हो जाएगा 1 2 1 -2 2 1 और आखिरी कॉलम में आपने कांस्टेंट लिख देना 2 4 0। अगेन जो रॉ थ्री है उसमें आप देखो एक जीरो आ रहा है, तो बेहतर है कि हम रॉ थ्री से इसको एक्सपेंड कर देते हैं, या कॉलम थ्री से भी आप कर सकते हो। अच्छा जी, तो रॉ डिलीट कॉलम डिलीट -2 2 2 4, अच्छा जी फिर आएगा माइनस, ये रॉ डिलीट ये कॉलम डिलीट 1 2 2 4, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना तो आई गेस इजी काम है काफी, -2 को 4 से करो -8, 2 को 2 से करो -4, यहाँ पे आएगा माइनस, अच्छा 1 को 4 से करो 4, 2 को 2 से करो 4, अच्छा आप लोगों ने पेपर में नीचे ही लिखना है,
तो जो सेकंड टर्म है 4-4 वो तो जीरो हो जाएगी, मतलब ये जो ये वाला डिटरमिनेंट जो है तो जीरो के बराबर है, तो दूसरी टर्म तो वैसे ही खत्म हो गई है यहाँ पे। पहली टर्म क्या है, -8 -4, ये हो जाएगा -12, तो आपके पास ए जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। सवाल बच्चों आप लोगों का कंप्लीट, डायरेक्ट आपके पास अब वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड की। नाउ एक्स की वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, एक काम करता हूँ मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे। ये करने के बाद बस आखिरी स्टेप क्या है, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स का फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये वो स्टेप है जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए का डिटरमिनेंट डिनोमिनेटर में है ना, वो जीरो नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई ये वाला स्टेप अगर जीरो हो गया ना, तो फिर आप ये मेथड लगा ही नहीं सकते, ये लिमिटेशन है इस मेथड की। तो अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तभी आपका सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ऊपर वाला जीरो हो जाए फिर मसला नहीं है, न्यूमिनेटर में जीरो आ सकता है, वो पूरी फ्रैक्शन का आंसर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ना हो। तो जरा वैल्यूज पुट करो, ए एक्स यहाँ पे क्या आया था 6, ए का डिटरमिनेंट था 3, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। वाई की वैल्यू का आंसर आप लोगों को खुद पता है, ए वाई अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए वाई क्या आया है -6, -6 को डिवाइड करो 3 से तो ये हो जाएगा -2। और आखिरी ये जेड, जेड का आंसर होगा ए जेड का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटरमिनेंट, ए जेड आया था -12, -12 को 3 से डिवाइड करो ये हो जाएगा -6। तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -2, जेड की वैल्यू -6, ये आपका यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। अगेन वही बात, आपने इसको कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, हर डिटरमिनेंट को कैलकुलेटर में निकालो, लेकिन वो थोड़ा लंबा काम लगेगा, क्योंकि हर दफा जब आप मैट्रिक्स चेंज करोगे ना तो टाइम जाया होगा आपका। तो इस सवाल को कैलकुलेटर में करने की जरूरत नहीं है, सवाल काफी इजी है, सिंपल सिंपल डिटरमिनेंट है इसके अंदर। हाँ जो आंसर है उसको चेक कर लो डायरेक्ट, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हो, पुट करके भी चेक कर लो। जैसे आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे 2 पुट करो, -2 वाई, वाई की जगह पे आप -2 पुट करो, प्लस जेड, जेड की जगह पे आप -6 पुट करो, तो -2 -2 ये 4 हो जाएगा, 2 + 4 क्या होता है, जीरो आ रहा है। सर जेड सेकंड की वैल्यू तो -4 होगी। हाँ यही गलती, -4 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे -4। अब देखो -2 -2 ये -4, सॉरी +4, 4 + 2 6, 6 - 4 2 के बराबर होगा, जो कि आपके राइट हैंड साइड है। इसी तरह आप एक्स वाई जेड की इन दो इक्वेशन में ही पुट करना, देखना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड 4 हो जाएगी, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पूरी आपकी 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह आप अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ये है बच्चों सेकंड मेथड जिसके जरिए से आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करो। अब देखो कितना अच्छा तरीका है, पहले जो आप पहले वो जो मैट्रिक में पढ़ते थे, अब तीन इक्वेशन में आप वो करो कि किसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, इसको एलिमिनेट करो, यहाँ से पुट करके वहां पे करो, वो दो अननोन में तो अच्छा लगता है हमें, लेकिन जब तीन अननोन हो जाए ना तो मेथड काफी अजीब होते हैं, तो फिर हम ये वाले मेथड यूज कर लेते हैं। इसी तरह हाई लेवल पे जाओगे 5 6 7 अननोन है, तो फिर वो जो बाकी दो मैं हम बताने लगा हूँ ना, वो तरीके ज्यादा फिजिबल है, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है तब ये काम आएगा, अगर तीन अननोन चार इक्वेशन नहीं काम आएगा। अच्छा दो अननोन, अभी को समझ लो अगर 10 अननोन है और 5 इक्वेशन है नहीं काम आएगा। कहने का मतलब हल्का सा भी आपका अगर सिस्टम ऊपर नीचे है ना मेथड काम नहीं आएगा, और बिलफर्ज अगर स्क्वायर भी है और डिटरमिनेंट उसका जीरो है तब भी ये मेथड काम नहीं आएंगे। तो दैट्स व्हाई मेथड की लिमिटेशन बहुत है, तो जो आपके सॉफ्टवेयर है वो डिपेंड करते हैं बाकी दो मेथड के ऊपर जो मैं आप लोगों को बताने लगा, जो आप लोगों ने होमोजेनियस के अंदर भी पढ़े थे। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है, इस मेथड को हम बोलते हैं गॉश एलिमिनेशन मेथड। इसमें सिंपल ये होता है कि आपने अपनी जो मैट्रिक्स है ना उसको इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वंस आपने इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो वो जो आप होमोजेनियस में करते थे ना, वो जो मेथड अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, कि आपने अपनी मैट्रिक्स को इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्ट काफी इजी इक्वेशंस आई थी और सॉल्यूशन निकाल लिया था, तो उसको गॉस एलिमिनेशन मेथड ही कहते हैं। ठीक है, वहां पे इसलिए नहीं बताया जाता था क्योंकि होमोजेनस काफी इजी केस होते थे, उसमें कॉन्स्टेंट सारे जीरो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए वहां पे आपको चीजें बताई नहीं गई, लेकिन मेथड ये वही था। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सिंपल आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है जरा उस पे आ जाते हैं, सबसे पहले तो आप इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 1 2 1, अच्छा जी 2 - 1 1 और 1 1 - 1,
एक्स यहाँ पे क्या होगा, एक्स वाई जेड, बी यहाँ पे क्या है 8 3 0। ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया, आपका थोड़ी बेसिक्स क्लियर हो गई है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे बनानी है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और वो कैसे बनती है, जिसको आप ए बी से रिप्रेजेंट करते हो वो कैसे बनती है, आपने लिखना है ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स, इसको आपने ऑगमेंट करना है किसके साथ, कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ। ये जो मैट्रिक्स है इसको आप बोलोगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंट का मतलब होता है जमा करके लिखो चीजों को। ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, अच्छा देखो इसका मेथड वही है, अगर आपको याद हो जो आप इक्वेशंस को सॉल्व करते थे आप उसमें क्या किया करते थे, आप पहले इक्वेशन को, ये वही काम जो आप वैसे करते थे ना एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैट्रिक में, वो काम आप मैट्रिक्स की फॉर्म में कर रहे हो। आप एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन लगाओगे कि किसी को मल्टीप्लाई कर दोगे किसी नंबर से, दूसरे के अंदर ऐड कर दोगे, सब आप करते थे काम, कि इक्वेशन वन को आप टू से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो इक्वेशन टू के अंदर, फिर आपके पास कोई एक अननोन आ जाए उसको पुट करो दूसरे के अंदर। ये वही मेथड है जो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होगे। तो वहां पे अगर आपको बात याद हो तो जो आप काम करते थे वो इक्वेशन के इस तरफ भी करते थे और इक्वेशन के इस तरफ भी करते थे। अगर आपको इक्वेशन वन को टू से मल्टीप्लाई करना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड को भी करोगे राइट हैंड साइड को भी करोगे, सेम काम यहाँ पे भी है, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, बस काम आपका बड़ा साफ सुथरा हो गया कि आपके पास कोई एक्स वाई जेड नजर नहीं आ रहा, सिर्फ नंबर्स हैं, नंबर्स में ही आपने डील करना है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप इसको सॉल्व करोगे और कन्वर्ट करोगे इक्लॉन फॉर्म में किसी तरह, जैसे इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया आप वहां से इक्वेशन निकालोगे और इक्वेशन से आपके पास एंड पे वैल्यू आसानी से आ जाएंगे। तो जरा देखते हैं क्या करना है। अब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के तरीके मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताए हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, लीडिंग एलिमेंट पहली रॉ में वन है, बिल्कुल सही बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस वन के नीचे आपको जीरो चाहिए। वन के नीचे जीरो कैसे आएंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करो -2 से और ऐड करवा दो इसके अंदर तो ये जीरो हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करवाओ माइनस से और ऐड करवा दो थर्ड रॉ के अंदर तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो पहली रॉ तो अपनी जगह पे आ जाएगी, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो ये -2 होगा, -2 को 2 में ऐड करो जीरो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, पहली रॉ को करना है ना, -2 से करो ये हो जाएगा -4, -4 -1 -5, इसको -2 से करो -2, -2 +1 -1, इसको -2 से करो -16, -16 को 3 में ऐड करो -13। ठीक है, अब इसको आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस हो जाएगा -1, इसमें ऐड करो जीरो ये हो जाएगा -2, ऐड करो -1 ये हो जाएगा -1, ऐड करो -2 ये हो जाएगा -8, जीरो में ऐड करो -8, और आगे मेंशन कर दो आपने क्या काम किया। यहाँ पे आपने सबसे पहले रॉ टू के अंदर चेंजिंग की है, और क्या चेंजिंग की है कि आपने पहली रॉ को मल्टीप्लाई की है -2 से और ऐड कर दिया R2 के अंदर, और R3 में क्या चेंजिंग है, पहली रॉ को आपने R1 से मल्टीप्लाई किया है, सॉरी पहली रॉ को माइनस से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया R3 के अंदर। अब देखो वन के नीचे तो सारे जीरो हो गए, ये काम इस कॉलम का काम कंप्लीट हो गया। अब देखो सेकंड रॉ में लीडिंग एलिमेंट वन बनाना है, तो आप सिंपल -1/5 से मल्टीप्लाई करवा दो सेकंड रॉ को, तो पहली और दूसरी रॉ तो अपनी जगह पे है, उसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो होगी पहली और तीसरी रॉ, दरमियान वाली रॉ को क्या करना है -1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जीरो तो अपनी जगह पे रहेगा, इसको -5 से डिवाइड करोगे ये वन हो जाएगा, इसको -5 से डिवाइड करोगे ये 1/5 हो जाएगा, और इसको -5 से डिवाइड करोगे तो 13/5 हो जाएगा बाई 1/-5 मल्टीप्लाई R2, ये किया आपने। उसके बाद अगेन वन के नीचे आपको जीरो चाहिए, आपको कोई चीज मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप और जो R2 है ना रॉ टू जो है इसको ऐड करवा दो R3 के अंदर, आपका मकसद अचीव हो जाएगा। तो पहली और दूसरी रॉ अपने जगह पे रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं है, चेंजिंग किसके अंदर, रॉ 3 के अंदर है, तो जीरो को जीरो में ऐड करवाओ जीरो रहेगा, वन को -1 में ऐड करवाओ जीरो, 1/5 को -2 में ऐड करवाओ, तो 5 को -2 से करो -10, -10 +1 -9 तो ये हो जाएगा -9/5।
इसी तरह 13/5 को आप ऐड करवाओ माइनस 8 में, 5 को माइनस 8 से करो माइनस 40, माइनस 40 और 13 माइनस 27/5, माइनस 27/5, और आगे लिख दो सिंपल क्या किया है, चेंजिंग की है आर थ्री के अंदर, क्या चेंजिंग की है, जस्ट आर टू को ऐड किया है आर थ्री के अंदर। अब देखो इस रॉ में भी लीडिंग एलिमेंट वन हो गया, वन के नीचे जीरो आ गया, लाइफ आपकी इसी। अब इस रॉ में लीडिंग एलिमेंट आपको वन चाहिए, यह है माइनस 9/5, आप इसको मल्टीप्लाई करवाओ माइनस 5/9 से तो मसला हल हो जाएगा, पहली रॉ और दूसरी रॉ एज इज आएगी। रॉ थ्री को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस 5/9 से, तो ये जो माइनस 9/5 है ना इसको मल्टीप्लाई करो माइनस 5/9 से, 9 से 9 कैंसिल, 5 से 5, मसला हल सिर्फ 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बच गया। ये जो माइनस 5/9 है इसको मल्टीप्लाई करवाओ आप आखिरी चीज से, वो क्या है 27/5, 5 से 5 कैंसिल, 9 मंजा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे जस्ट माइनस 3 बच जाएगा, और आगे मेंशन कर दो बाई माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया है आर 3 से। अब अगर आप मैट्रिक्स को देखो आपके मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी इक्लॉन फॉर्म के अंदर, सिंपल आपकी जिंदगी होगी। अब ये जो इक्लॉन फॉर्म में आपकी मैट्रिक्स कन्वर्ट हुई है इसको हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन के अंदर, क्योंकि अब आपकी इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर वर के, ये वही काम थे जो आप मैनुअली करते थे कि किसी को माइनस से मल्टीप्लाई करो, दूसरी में ऐड कर दो, सिंप्लीफाई करते करते यहां पे आप आ गए हो। अब आपने कन्वर्ट करना है इनको इक्वेशन की फॉर्म में, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इक्वेशन लिख दो, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हो तो यहाँ पे ये है सिंपल कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी क्या हो गई है, आप ए मैट्रिक्स हो गई है 1 0 0 2 1 0 1 1/5 1, जो आपकी एक्स की मैट्रिक्स है वो तो अपनी जगह पे ही है, और जो आपकी कॉन्स्टेंट की मैट्रिक्स है वो अब क्या होगी है 8/5 और -3। मतलब ये जो सिस्टम था इसको आपने रॉ ऑपरेशन लगा के इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का वर्ड हम यूज करते हैं, इक्वल का वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि दिखने में आपको अलग लग रहे हैं, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये एक ही सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो एक्स वाई जेड की वैल्यू इस सिस्टम को सॉल्व करेगी वही इसको भी सॉल्व करेगी, दैट्स वाई आप इसको इक्विवेलेंट कहते हो, क्योंकि वही तीन ऑपरेशन आपने अप्लाई किए, या तो इंटरचेंज करोगे किसी रॉ को, या किसी रॉ को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, या किसी रॉ को मल्टीप्लाई करके एक और रॉ में ऐड करोगे, ये तीन काम जो हमें मैथ ने अलाउ किए थे वही आपने किए हैं, तो ये सिस्टम आपका काफी सिंप्लीफाई हो गया। अब आप जरा इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे कैसे, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x आएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे 2y, 1 को z से मल्टीप्लाई करोगे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 को x से करो खत्म हो जाएगा, 1 को y से करो y, 1/5 को z से करो, इक्वेट करवाओ 13/5 से, और तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 को x से करो खत्म, 0 को y से करो खत्म, 1 को z से करो z, इक्वेट करवाओ -3 से। अब ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम है, जो सवाल में गिवन था और ये जो गिवन था, फर्क क्या है इसमें कि आपने इसको इतना सिंप्लीफाई किया है कि अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे, z की आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई है -3, उस z की वैल्यू को पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को पुट करोगे पहली के अंदर x की वैल्यू आ जाएगी, तो कहने का मतलब आपने इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना होता है, इस पॉइंट पे आपने ले आना है, जब इस पॉइंट पे आएगा आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये जो मैंने दरमियान का स्टेप लिखा है अगर आप चाहो तो लिखो, वरना आप इसको डायरेक्ट इग्नोर कर सकते हो, कैसे वो मैं बताता हूं, आप जब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो ना यहां तक आप आ जाओ, तो आपने क्या करना है, इसको डायरेक्ट जो पहली चीज है इसको आप लिखो x का कोफिशिएंट है तो ये x हो जाएगा, दूसरी चीज को लिखो ये y का कोफिशिएंट है, तीसरी चीज को लिखो z का कोफिशिएंट है, और इसको इक्वेट करवाओ 8 से, ये लो पहली इक्वेशन बन गई, इसको नाम भी दे देते हैं हम 1 का। अच्छा, 0 को मल्टीप्लाई करवाना x से खत्म हो जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई करवाओ y, 1/5 को z से मल्टीप्लाई करवाना ये, और इक्वेट करवाना 13/5 से। इसी तरह 0 को x से करो, 0 को y का करो, 1 को z से करो z, -3 आ जाएगा, इसको 2 बोल देना। तीसरी वाली इक्वेशन से तो डायरेक्ट आपको z की वैल्यू मिल रही है, z तो आपके पास आसानी से आ गया। अब आप क्या करो, 2 में पुट करो इसको, इक्वेशन नंबर 2 में z की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं -3, z की जगह पे -3 पुट कर दिया,
सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन फाइव, उधर ले जाओ पॉजिटिव थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा, वहां जाके ये पॉजिटिव थ्री अपॉन फाइव हो गया, थर्टीन अपॉन फाइव ऑलरेडी मौजूद था, इस माइनस थ्री अपॉन फाइव को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव थ्री अपॉन फाइव हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम यहाँ पे फाइव आएगा, थर्टीन प्लस थ्री सिक्सटीन, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिक्सटीन अपॉन फाइव। अच्छा आंसर अजीब से आ रहे थे तभी मैंने कहा चेक कर लेते हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो z की वैल्यू माइनस थ्री नहीं थ्री आ रही है, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक की है, ये माइनस थ्री होना चाहिए, पॉजिटिव थ्री होना चाहिए। सर 27 अपॉन 5 नेगेटिव है। 27 अपॉन 5 नेगेटिव है, अच्छा मैंने क्या पॉजिटिव लिखा था, सर हाँ आपने सॉरी सॉरी, ठीक है मल्टीप्लाई, ठीक है ठीक है, ये स्टेप था जहां मैं माइनस फाइव अपॉन नाइन को मल्टीप्लाई कर रहा था, तो मुझे माइनस 27 अपॉन 5 से करना चाहिए था, तो आंसर 3 आ रहा था, सही है, चलो शुक्र है, छोटी सी मिस्टेक है, तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे z की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि जब वैल्यूज अजीब सी आती है ना तो कुछ ना कुछ लगता है कि यार मसला है यहाँ पे, यहाँ पे भी 3 पुट करना है, ये 3 अपॉन 5 है, उधर जाके अब नेगेटिव का 3 अपॉन 5 हो जाएगा। अब जब आप एलसीएम लोगे ना, नीचे 5 आएगा और ऊपर होगा 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 क्या होता है 10, और 10 अपॉन 5 क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ये वैल्यूज आपको देखने में खूबसूरत लग रही है, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप करके यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, यार ये काम आप लोग कर लेना, कोई इतना मुश्किल, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ छोटा सा, कि आप यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना, इक्वेशन 1 में x है 2y, y की जगह पुट कर दो 2 प्लस z, z की जगह पुट कर दो 3 इक्वल टू 8, तो 2 टू 4, 4 प्लस 3 7, 7 को उधर ले जाना नेगेटिव होगा, x की वैल्यू यहाँ से बना जाएगी, ये लो आपका सिस्टम सॉल्व हो गया। ये जो सॉल्व करने का तरीका है इसको आप कहते हो गॉस एलिमिनेशन मेथड, आपको जस्ट इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन बनानी है और आपने सॉल्व कर लेना है। अच्छा इसको फालतू के ना दो मेथड बनाए हैं, हालांकि जो एंड के जो मैं मेथड बता रहा हूँ ना, ये वाला और इसके बाद जो बताने लगा हूँ, ये दो मेथड ऐसे है नहीं, इनको आप एक ही मेथड बना सकते हो। कैसे, दूसरा मेथड आप देखोगे कि आप इक्लॉन नहीं, आप डायरेक्ट रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और जब चीज रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है ना तो डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाती है, कोई इक्वेशन नहीं बनती, कोई पुट नहीं करना, डायरेक्ट आपके पास आ जाती है जब मामला रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो दूसरे मेथड में आप रिड्यूस में कन्वर्ट करोगे, तो बेहतर है अगर आप वैसे, अगर आपको सॉल्व करना है तो आप दूसरा वाला मेथड लगाओ, डायरेक्ट आप रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये वाले स्टेप जो है ये आपके डायरेक्ट खत्म हो जाएंगे, आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएंगी, मैं जरा बताता हूँ तो आप लोगों को फिर क्लियर होगी वो बात, ये सिस्टम गिवन है। अच्छा जो लास्ट सिस्टम आया ना उसमें आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, आपको x1 मिला था, y2 मिला था, z3 मिला था, तो आप इक्वेशन में पुट करके चेक भी कर सकते हो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही होगी वहां पे। अच्छा जी, तो ये मेथड जो है इसमें सबसे पहले तो वही काम करना है आपने, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में तो कन्वर्ट करना ही है, आपको ए बी ये सब पता चल जाए, ये वन है, ये टू है, ये थ्री, वाई के कोएफिशिएंट माइनस वन टू और माइनस टू, जेड है फोर माइनस वन और थ्री, एक्स वाई जेड और बी है यहाँ पे फोर टू माइनस थ्री। जो मेथड है ना इसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको बस रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वही मेथड है, वही काम है, बस एंड पे रिड्यूस में कन्वर्ट कर लो। मैं जब भी इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ ना तो मैं इसी मेथड से करता हूँ, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, चाहे रेक्टेंगुलर है, कुछ भी हो जाए, ये मेथड आपका काम कर रहा है, ये मेथड हर जगह काम कर रहा है आपका, इससे पहले वाला भी काम करता है लेकिन उसमें इक्वेशन बनती है ना, उन इक्वेशन से तो मैं जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैट्रिक्स फॉर्म में मुझे डायरेक्ट आंसर मिल जाए, मुझे इक्वेशन में पुट शुट करने की जरूरत नहीं है, तो इस मेथड से करो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मैट्रिक्स आपको आंसर दे देती है, थोड़ा देख लेते हैं। आप यहां पे क्या करो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ इसकी, अच्छा जी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने का तरीका आप लोगों को पता है कि ए मैट्रिक्स लिखो, इसके साथ आप ऑगमेंट कर लो कॉन्स्टेंट को, थ्री फोर टू माइनस थ्री, ये आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी है, बस अब आपका फोकस होना चाहिए कि यार आपने इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में। तो बच्चों मैं जो काम करने लगा हूं इसको जरा देख लो और फिर आप लोग बताओगे कि मैंने क्या किया है।
लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो जीरो हाँ कैसे किया है सर? रो वन को टू से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर नहीं, इसको हम बोलते हैं कि रॉ टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाए ताकि हमें अच्छा लगे बोलना। इसको माइनस टू से मल्टीप्लाई करवा के इसके अंदर ऐड करवाए और इसको माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवा के आर थ्री में ऐड करवाए, ये काम किए। तो ये रॉ टू का हो गया और रॉ थ्री के अंदर क्या किए, आर वन को माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करवा के रॉ थ्री में ऐड किए। तो ये वही दो काम जो आप हर सवाल में कर रहे होते हो, कोई नई चीज नहीं है। अच्छा जी, वन के नीचे जीरो आ गए। अब मैं इसको लीडिंग एलिमेंट बनाना है, मैं रॉ टू को फोर से डिवाइड करता हूँ। पहला और तीसरी, पहली रॉ तीसरी रॉ तो एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएंगे। दरमियान वाली रॉ जो है ना, इसको आप फोर से डिवाइड कर दो या वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। जीरो वन, माइनस नाइन को फोर से डिवाइड करो, माइनस नाइन अपॉन फोर, और माइनस सिक्स को फोर से डिवाइड करो तो माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा। मतलब माइनस सिक्स को जब आप फोर से डिवाइड करोगे तो माइनस थ्री अपॉन टू हो जाएगा ये। अच्छा जी, क्या किया है आपने, वन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई किया है आर टू को। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, वन के नीचे जीरो चाहिए आपको, तो आप लोग बेहतर जानते हो, रॉ टू को मल्टीप्लाई करो माइनस वन से और एड करवा दो रॉ थ्री के अंदर। तो पहली और दूसरी रॉ तो अपनी जगह पे है, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ, एक ही बात है जीरो रहेगा। इसको माइनस से करो माइनस वन होगा, माइनस वन को वन में ऐड करवाओ जीरो। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवाओ नाइन अपॉन फोर, ऐड करवा दो माइनस नाइन के अंदर। तो फोर को माइनस नाइन से करोगे माइनस थर्टी सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स और प्लस नाइन, ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर। इसी तरह इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये थ्री अपॉन टू हो जाएगा और ऐड कर दो माइनस फिफ्टीन के अंदर। तो ये हो जाएगा माइनस थर्टी, माइनस थर्टी प्लस थ्री माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू। और आगे मेंशन कर दो कि आपने रॉ थ्री के साथ क्या किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया रॉ टू को और उसको ऐड कर दिया आपने रॉ थ्री के अंदर। अब वन के नीचे भी जीरो हो गया, अब इसको जरा वन बनाते हैं। नहीं, अब एक ध्यान में रखो, आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो यार, ये काम मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अच्छा, मैं दो काम एक साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहा, मैं रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में कर रहा हूँ। तो मुझे वन के नीचे भी जीरो चाहिए, वन के ऊपर भी जीरो चाहिए। तो मैं दो काम इस स्टेप के अंदर करता हूँ। सबसे पहला वाला काम ये था, मैं वन के ऊपर जीरो करता हूँ। तो स्टूडेंट बता सकते हैं वन के ऊपर जीरो कैसे होगा, इस वन के ऊपर जीरो कैसे आएगा? रॉ टू को प्लस करवा दे रॉ वन में। जस्ट आपने रॉ टू को प्लस करवाना है रॉ वन के अंदर, मामला आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर दो काम मैं एक साथ कर रहा हूँ, एक तो रॉ वन के अंदर चेंजिंग, एक रॉ थ्री के अंदर। रॉ थ्री के अंदर चेंजिंग तो आपने देख ली है, रॉ वन के अंदर भी चेंजिंग देख लो कि जब जीरो को वन में ऐड करवाओगे तो वन ही रहेगा, वन को माइनस वन में ऐड करवाओगे हो जाएगा, माइनस नाइन अपॉन फोर को ऐड करवाओ फोर के अंदर, फोर फोर दा सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन, सेवन अपॉन फोर आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस थ्री अपॉन टू को आप ऐड करवाओ फोर के अंदर। बस आर टू को आर वन में आपने ऐड करवाना है। टू फोर दा एट, एट माइनस थ्री फाइव अपॉन टू, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइव अपॉन टू। तो अब आपको आसानी हो जाएगी काफी, वन के ऊपर नीचे जीरो आ गया। अब इसको आप वन बनाओ, कैसे वन बनाओगे, वही माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन से मल्टीप्लाई करवा दो। तो माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन से, तो पीछे क्या बचेगा, जस्ट वन बचेगा। इसी तरह ये जो माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन टू है, इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा दो माइनस फोर अपॉन ट्वेंटी सेवन से, तो ये कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यहाँ पे जस्ट टू बच जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये रिड्यूस इक्लॉन फॉर्म में करना है तो वन के ऊपर भी आपको जीरो चाहिए। यहां तक आप काम करते थे, बल्कि ये वाला काम तो चलो आप इक्लॉन फॉर्म में नहीं करते थे। बहरहाल, रिड्यूस में जाने के लिए आपको वन के ऊपर जीरो चाहिए। वंस आप वन के ऊपर जीरो ले आए, आपका सिस्टम बड़ा मजे का हो जाएगा। जरा वन के ऊपर जीरो लाते हैं,
क्वेश्चन बता सकता है, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को आता तो है कि वन के ऊपर जीरो लाने के लिए यहाँ पे है माइनस नाइन अपॉइंट फोर, तो आप इसको किसी तरह नाइन अपॉइंट फोर कर लो, ये अगर नाइन अपॉइंट फोर होगा जब इसके अंदर ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये है सेवन अपॉइंट फोर, आप इसको किसी तरह माइनस सेवन अपॉइंट फोर कर लो, जब ये माइनस सेवन अपॉइंट फोर होगा आप इसको ऐड करोगे इसके अंदर। तो मैं पहले बता देता हूँ कि आप क्या करने लगे हो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, स्टेप में मैंने क्या किया था, माइनस फोर अपॉन 27 से मल्टीप्लाई किया था R3 को, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो काम करने मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूँ, सबसे पहले आपने रॉ टू के रॉ वन के साथ करना है, पहले चलो रॉ वन के साथ कर लेते हैं। क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन अपॉन फोर से, माइनस सेवन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करो R3 को और एड कर दो R1 के अंदर, जरा करके देखते हैं। रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करना है माइनस सेवन अपॉन फोर से, तो जीरो को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करो वन ही जाएगा। इसी तरह यहाँ पे जीरो को मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस सेवन अपॉन फोर को और जब ऐड करोगे इसके अंदर तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह टू को मल्टीप्लाई करो माइनस सेवन अपॉन फोर से, तो क्या हो जाएगा ये माइनस सेवन अपॉन टू, माइनस सेवन अपॉन टू को आप ऐड कर दो फाइव अपॉन टू से। मतलब आप सिंपल क्या कर रहे थे, रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करवा रहे थे माइनस सेवन अपॉन फोर से और ऐड कर रहे थे रॉ वन के अंदर। तो जब आप इनको आपस में ऐड करोगे माइनस टू अपॉन टू हो जाएगा, मतलब माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन में कुछ समझना है तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो, समझ आ जाएंगी, बहुत इजी कैलकुलेशन है। फिर दूसरा काम क्या करना था आपको, रॉ टू के साथ क्या करना था, रॉ वन को रॉ थ्री को मल्टीप्लाई करवाना था नाइन अपॉन फोर से, नाइन अपॉन फोर से मल्टीप्लाई करवाओ और आप ऐड करवा दो, तो जीरो को करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वन ही रहेगा। वन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे नाइन अपॉन फोर से तो ये नाइन अपॉन फोर होगा, ऐड करवाना जीरो हो जाएगा। इसी तरह जब टू को मल्टीप्लाई करवाओगे नाइन अपॉन फोर से तो ये हो जाएगा नाइन अपॉन टू, नाइन अपॉन टू को आपने ऐड करवाना है माइनस थ्री अपॉन टू में, तो ये हो जाएगा नाइन माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री होता है सिक्स, सिक्स अपॉन टू थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, ठीक है। और जो आखिरी वाली रॉ है वो तो अपनी जगह पे ही है। ये करने के बाद आपका सवाल इतना इजी हो गया कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये सवाल आपका बीए बन गया। चाहो तो ये स्टेप लिखो, वरना आप डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। स्टेप असल में ये है कि जो ए मैट्रिक्स थी आपने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। ये जो एक्स मैट्रिक्स थी वो थी एक्स वाई जेड, और कॉन्स्टेंट की मैट्रिक्स को इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि आपने कर दिया माइनस वन थ्री टू। वैसे डायरेक्ट मुझे पता है एक्स का आंसर वन माइनस वन है, वाई का आंसर थ्री है, जेड का आंसर टू है, तभी मैं इस तरीके को प्रेफर करता था कि मुझे कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब मैट्रिसेस के साथ काम किए हैं और एंड पे मुझे डायरेक्ट एक्स वाई जेड मिल गया। सबसे ईजी मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर आप देखो विद इन मेथड में पांच छह स्टेप आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहे हैं एक्स वाई जेड के क्या है। इस मेथड की कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है आपको, हर दफा ये मेथड आपका काम कर रहा है। और ये मेथड है भी छह सात स्टेप का, अगर आपका सिस्टम बड़ा भी हो जाए तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा आपको, बस ये काम शायद दो तीन दफा और आपको करना पड़ जाए इसके अंदर, लेकिन मेथड बड़ा इजी है ये। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स थी जो सवाल में थी, और ये आपकी कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है। तो अब जरा वो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, वन को एक्स से मल्टीप्लाई करो एक्स, जीरो को वाई से मल्टीप्लाई करो जीरो वाई, जीरो को जेड से मल्टीप्लाई करो जीरो जेड, और इसको इक्वेट करवाओ किससे माइनस वन से। तो कहने का मतलब ये दो टर्म तो खत्म, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू माइनस वन आ रही है। इसलिए दूसरी इक्वेशन क्या होगी, जीरो एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू थ्री। तीसरी इक्वेशन क्या होगी, जीरो एक्स जीरो वाई प्लस जेड इज इक्वल टू टू। तो अगर आप इस सिस्टम को देखो तो ये वही सिस्टम है जो यहां पे लिखा हुआ है, बस इस वाले सिस्टम को आपने इतना सिंप्लीफाई किया है कि बेचारा इस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। इस सिस्टम में आपको एक्स वाई जेड नजर नहीं आ रहा था, फॉरन डायरेक्ट पता नहीं चल रहा था, लेकिन इस सिस्टम में आपको डायरेक्ट मिल रहा है एक्स माइनस वन वाई थ्री है, जेड जो है वो टू है, और ये दोनों सिस्टम इक्विवेलेंट है। क्यों, जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है वो इसको भी कर रही होंगी। लाइक अगर आप एक्स की जगह पे यहाँ पे माइनस वन पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड बराबर आएगी, और y और z की जगह बेशक कुछ भी पुट कर लो, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो x यहाँ पे है माइनस वन, y है यहाँ पे थ्री, z है यहाँ पे टू। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह माइनस वन, y की जगह पे थ्री,
जेड की जगह पे टू, पूरी लेफ्ट हैंड साइड माइनस वन होगी, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस वन, वाई की जगह थ्री, जेड की जगह टू, अगेन पूरी लेफ्ट हैंड साइड थ्री के बराबर हो जाएगी। मतलब आपको पुट एक ही करना है, लेकिन अगर आप बाकी भी पुट कर लो फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो हो जाएंगे वो। इसी तरह यहाँ पे एक्स वाई जेड पुट करो, ये आंसर आ रहा है। सेम ये वैल्यूज इस सिस्टम को भी सेटिस्फाई कर रही है। आप एक्स की जगह यहाँ पे माइनस वन पुट करो, ये माइनस वन होगा, वाई की जगह पे थ्री पुट करो, ये माइनस थ्री होगा, माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, और जेड की जगह पे टू पुट करो, टू फोर जा एट, माइनस फोर और एट क्या होता है, फोर के बराबर। तो कहने का मतलब ये दोनों सिस्टम एक ही सिस्टम है, तभी इनको इक्विवेलेंट बोला जा रहा है, कि आपने इनको इतना सिंप्लीफाई किया कि डायरेक्ट आपको वैल्यूज मिल गई। यही गोल था, यही मकसद था इन मैट्रिसेस का, कि ये कैलकुलेशन को इतना इजी कर देंगे कि आप आसानी से डायरेक्ट इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। तो आप ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो ये बात, की वैल्यू यहाँ पे माइनस वन है, वाई की वैल्यू यहाँ पे थ्री है, और जेड की वैल्यू यहाँ से टू मिल गई आपको। सवाल आपका कंप्लीट, सॉल्यूशन आपके पास आ गया।